विजयनगर के जंगल में मुशिका नाम का एक चालाक चूहा रहता था। एक दिन वो खाने की तलाश में घूम रहा था और अचानक बारिश और तूफान आ गया। मुशिका छुपने की जगह खोजने लगा, तभी उसे नीचे एक सूखी लकड़ी का टुकड़ा गिरा मिला। और जैसा कि चूहों की आदत होती है, वो हर किसी चीज को जो उनके काम आ सकती है उसे अपने पास जमा कर लेते हैं। मुशिका ने भी वही किया और लकड़ी का टुकड़ा लेकर बारिश थमने पर आगे चल पड़ा। बारिश को भी आज ही आना था। क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बताऊँ, मेरी सारी लकड़ियाँ पानी में भीग के गीली हो गई। अब मेरा चूल्हा नहीं जलेगा तो मैं ये कच्चे मटके कैसे सुखाऊंगा? मटके राजमहल पहुँचाने हैं, अगर समय पर नहीं गया तो महाराज क्रोधित होंगे। समस्या तो गंभीर है, पर मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है। तुम तो खुद एक चूहे हो, मेरी मदद क्या करोगे? देखो, मेरे पास ये सूखी लकड़ी है जिसकी मदद से तुम आग लगा सकते हो। फिर चूल्हा भी जल जाएगा और उसमें मटका भी सूख जाएगा। हा? तुम्हारा भला हो। रुको, लकड़ी के बदले मुझे क्या दोगे ये तो बताओ। ये चूहा मांग मांग के क्या ही मांगेगा। अच्छा, जो तुम चाहो ले लो। ऐसे नहीं, वचन दो, कहीं बाद में तुम अपनी बात से मुकर गए तो। वचन देता हूँ। ठीक है, फिर ये कद्दू मुझे दे दो। क्या, कद्दू? पर इतना बड़ा कद्दू तुम ले कैसे जाओगे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, ये लकड़ी ले लो और इस कद्दू को संभाल के रखना, मैं बाद में ले जाऊंगा। और याद रखना, तुमने वचन दिया है। इतने दुखी क्यों हो भाई? तो क्या करूं? इस तूफान ने मेरी भैंस को डरा दिया, अब वो दूध ही नहीं दे रही। अगर दूध नहीं बेचूंगा तो घर में खाना कैसे बनेगा? तुम्हारी समस्या भी गंभीर है, पर मेरे पास इसका भी समाधान है। क्या कहा, तुम्हारे पास? पर तुम तो एक छोटे से चूहे हो। पर मेरे पास एक बड़ा सा कद्दू है, चाहो तो तुम उसे ले सकते हो और उसका स्वादिष्ट भोजन बना सकते हो। क्या, सच में? कहाँ है कद्दू? कद्दू तो मिल जाएगा, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो चाहे ले लो। ऐसे नहीं, पहले वचन दो। मैं वचन देता हूँ, अब जल्दी से कद्दू मुझे दे दो। ये हुई ना बात, चलो मेरे साथ। आ गए अपना कद्दू लेने। वो देखो, सुरक्षित रखा है। क्यों भैया, कहीं तुमने भी तो इसे कोई वचन नहीं दे दिया? अब हाँ, दिया तो है। फिर तो तुम गए काम से। पता नहीं अब ये जमीन जायदाद सोना घर क्या मांग ले तुमसे। ये कद्दू उठाओ और मुझे जो चाहिए वो देकर अपना वचन निभाओ। क्या 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 चाहिए तुम्हें? मुझे मुझे तुम्हारी भैंस चाहिए। हाँ, देखो मुकर मत जाना, तुमने वचन दिया है। ठीक है, ले जाओ। इस तरह मुशिका ने बड़ी चतुराई से कद्दू के बदले दूध वाले से भैंस का व्यापार कर लिया। और इस तरह कई दिन बीत गए। और एक दिन जब मुशिका घूम रहा था तो उसकी नजर एक घर पर पड़ी जहाँ शादी का माहौल था। शादी का माहौल है, फिर भी आप लोग खुश दिखाई नहीं दे रहे, क्या कोई समस्या है? हा? छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी समस्या है। शादी की खीर बनाने के लिए दूध ही नहीं आया, अब बिना खीर के मेरे शादी का खाना अधूरा ही रह जाएगा। बस इतनी सी बात, मेरी भैंस ले लो और जितना चाहिए दूध निकाल लो,
पर बदले में तुम्हें भी कुछ मुझे देना होगा। हाँ हाँ हाँ, जो चाहिए ले लो, यहाँ एक से एक पकवान बने हैं, जो चाहे जितना चाहे खा सकते हो। नहीं नहीं नहीं, खाना नहीं, कुछ और। तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, ये मेरा वचन है। हा? वचन से पीछे तो नहीं हटोगे ना? कभी नहीं। ठीक है, तो तुम मुझे अपनी दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो, दुल्हन दे दो। तुमने सबके सामने वचन दिया है, अब तुम मुकर नहीं सकते। तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुकिए, छोड़ दीजिए इसे, मैं इसके साथ जाऊंगी। आखिर आपने वचन दिया है, और इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि फिर कभी ऐसी हरकत ये किसी के साथ नहीं करेगा। मैं जल्दी वापस आऊंगी। दुल्हन बहुत बुद्धिमान थी, कुछ सोचकर वो चूहे के साथ चल पड़ी। चूहा भैंस को वही छोड़ दुल्हन के साथ अपने दिल की तरफ चल पड़ा। व्यापारी हो तुम मेरे जैसा? हाँ, एक छोटी सी लकड़ी से कद्दू, कद्दू से भैंस और भैंस से दुल्हन। वाह, क्या व्यापार किया है मैंने। आज से यही तुम्हारा घर है। सुना है इंसान तरह तरह के पकवान बनाकर खाते हैं, आज तुम मेरे लिए लड्डू बनाओ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ लड्डू बनाने का सामान कहाँ है? नारियल, घी, गुड़, बताओ कहाँ है? वो तो नहीं है। तो क्या लड्डू मिट्टी से बनाऊं? ओह, लगता है बारिश आने वाली है, बारिश से कैसे बचूं मैं? जल्दी से मेरे बिल में घुस जाओ। बिल में? पर कैसे, इसमें मैं क्या, मेरे पैर भी नहीं घुसेंगे। ठीक है, पेड़ पर चढ़ जाओ। अच्छा, खुद बिल में आराम से रहोगे और मुझे भीगने के लिए पेड़ पर चढ़ने बोल रहे हो? कहीं मेरी तबीयत खराब हुई तो? ठीक है, पास वाले मंदिर में जाकर छुप जाओ, ताकि चोर आके मेरे सारे गहने लूट ले। अगर मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते तो मुझे लाए हैं क्यों? अरे ये क्या बला है, इसको लाने से तो अच्छा था मैं भरपेट खाना खा ही लेता। अच्छा, आप गुस्सा मत होइए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपने मित्रों को बुला लूं, वो मेरी सुरक्षा कर सकते हैं। हाँ, जो करना है करो। पक्का ना, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा। ऐसे नहीं, पहले वचन दीजिए। अरे ये क्या मुसीबत ले आया हूँ मैं। अच्छा, वचन देता हूँ। यही तो है मेरे मित्र राम और श्याम। मित्रों, मेरी रक्षा करो। भागो! मुझसे गलती हो गई, तुम वापस जाओ। पक्का ना, बाद में फिर मुकर तो नहीं जाओगे? नहीं नहीं नहीं, मैं वचन देता हूँ, तुम जाओ और तुम्हारे मित्रों को भी लेकर जाओ। मुशिका को बिल में छोड़ दुल्हन अपने घर वापस चली गई, और बेचारा मुशिका इतने व्यापार करने के बाद में भी खाली हाथ रह गया। एक गरीब मगर चालाक लड़के सुमन की, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो खुद ही गांव के किसी ढाबे पर काम करके अपना जीवन यापन करता था। सुमन गरीब था मगर दिलेर था। वो हर रोज अपने खाने का थोड़ा हिस्सा अपनी एक मछली दोस्त को जरूर खिलाया करता था। कैसे हो दोस्त? हाँ? सुमन? ढाबे पर फुर्ती से काम करते हुए एक शातिर ठग चंटू की नजर उस पे पड़ जाती है, और वो सुमन को अपने साथ चलने का ऑफर देता है।
मुझे करना क्या होगा? बस 40 दिन आराम करना है और खाना पीना है, और 41वें दिन बस थोड़ी देर काम करना होगा, जिसके बदले पूरे 10 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। एक काम से पहले 9 काम के बाद। बताओ कैसी लगी दो दुनी चार? ऐसा ऑफर सुनकर सुमन की आंखों में चमक आ जाती है और वो तुरंत ढाबे का काम छोड़कर चंटू के साथ चल पड़ता है। यूँ समझो तुम्हारे आराम के दिन शुरू। आराम से खाना खाओ, सो जाओ, सो के उठो, खाना खाओ, घूमो फिरो, खाना खाओ, फिर सो जाओ। एक दिन पूरा हुआ। आखिर सुमन के 40 दिन के क्वारंटीन के बाद काम का दिन यानी कि 41वां दिन आ गया, और वादे के मुताबिक चंटू काम से पहले एक स्वर्ण का सिक्का सुमन को देकर उसे अपने साथ ले चला। वो चलते चलते एक घने जंगल की ऊंची पहाड़ी पर पहुंचते हैं, जहां से नीचे एक बड़ी सी नदी बह रही थी। इस जंगल के फल बहुत ही कीमती होते हैं। मैं यहाँ से बहुत सारे फल लेकर जाना चाहता हूँ, मगर इस थैले में आ कितने सकते हैं मुझे ये नहीं पता। तो दो दुनी चार, क्या तुम इस थैले के अंदर बैठ सकते हो, ताकि मुझे ये थैला कितना वजन उठा सकती है इसका अंदाजा हो जाए। हाँ क्यों नहीं। ये क्या कर रहे हो, निकालो मुझे। अरे दो दुनी चार, बस थोड़ी देर की बात है, वैसे भी तुम्हें इतने दिन खिलाया पिलाया है, अब तुम मुकर नहीं सकते। अरे मुझे निकालो, ये क्या कर रहे हो तुम? बचाओ, कोई है, बचाओ। शाबाश, बचाओ। काका मुझे यहाँ से निकालो। डरो मत, बस अपने आसपास पड़े खजानों में से दो दुनी चार हीरे मोती फेंकते जाओ इस पर। खजाना फेंको फिर रास्ता बताता हूँ। अब तो बताओ काका। मूर्ख बालक, क्या तुम्हें आसपास नरकंकाल दिखाई नहीं दे रहे? तुमसे पहले भी कई लोग चिल का भोजन बन चुके हैं, और अब तुम्हारी बारी है। अरे ये क्या कर रहे हो काका? अगर नदी में कूदा तो कम से कम बचने की उम्मीद तो है, यहाँ तो ये चील कौवे मुझे पक्का नोच नोच कर खा जाएंगे। बच्चों ये वही नदी थी जो उसके गांव तक जाती थी, और कहानी की शुरुआत की मछली तो याद है ना तुम्हें, जिसे सुमन दाना डाला करता था। जब नदी वही है तो उस मछली का घर भी तो यही नदी होगी ना। आखिर वो सही समय पर अपने मित्र को बचाने पहुंच जाती है। धन्यवाद मित्र, आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं, फिर एक दिन ठग चंटू फिर से गांव आकर
अपना अगला शिकार ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर सुमन पर पड़ती है, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है। तो दुनी चार, तुम पहाड़ से वापस कैसे लौटे? सुमन था बहुत चालाक। उसने चंटू को फंसाने के लिए एक योजना बनाई। बहुत आसान था। आप जैसे ही मुझे छोड़कर गए, चील से बचते बचते भागते हुए मुझे एक गुफा मिल गई, जो सीधे पहाड़ के नीचे तक आती है। बस उसी में मैं नीचे तक आ गया। अच्छा, फिर तो उस गुफा से मैं पूरा खजाना दो दुनी चार कर सकता हूँ। सुमन बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तो तेरा काका हूँ। तुमने किसी को उस गुफा का पता बताया तो नहीं ना? अभी तक तो नहीं। शाबाश। तो क्या तुम मुझे उस गुफा का रास्ता बता सकते हो? इसके बदले मैं इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारा रहना सहना खाना पीना सब दो दुनी चार हो जाएगा। अच्छा, मगर इस बार आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। इस तरह उनकी बात पक्की हो जाती है और वो फिर से उसी पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। मगर इस बार चंटू खुद थैले लेकर पहाड़ी पर पहुंच जाता है। अरे वाह, सोना, ये खजाना। गुफा वाला रास्ता कहाँ है? गुफा का रास्ता? यहाँ तो कोई गुफा दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ है गुफा? कौन सी गुफा? कैसी गुफा? अरे ये क्या दो दुनी चार कर रहे हो? तुम्हारी याददाश्त तो नहीं चली गई? ओहो काका, आप तो बहुत भोले निकले। जैसे आपने मुझे और मेरे जैसे कईयों को वहाँ भेजकर चील का भोजन बनाया, मैंने भी कोशिश की और आप फंस गए। वहाँ कोई गुफा नहीं है। क्या तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? ये दो दुनी चार के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया? इस नदी में डूबने से बचाने के लिए सुमन के पास तो उसकी दोस्त मछली रानी थी, मगर ठग चंटू ने तो आज तक लोगों को ठगने का काम ही किया था, इसीलिए उसको बचाने वाला कोई नहीं था। आने वाली दिवाली के लिए लोग मिठाई बना रहे थे, सिर्फ रूपा को छोड़कर। रूपा एक अनाथ लड़की थी और उसके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। उसके गांव वाले ही उसका परिवार थे। अरे रूपा, अंदर क्यों हो? बाहर आओ, मिठाई खाओ। किसी ने मिठाई दी नहीं क्या? कौन देगा? बेचारी के ना माता पिता हैं, ना कोई रिश्तेदार। रूपा को भी मालूम नहीं था कि सच में उसका कोई रिश्तेदार है भी या नहीं। मेरे रिश्तेदार है बुआ, और इस दिवाली पर वो मिठाई और उपहार भी लाएंगे। ये तो तू हर त्योहार पर कहती है रूपा, पर हमने तो तुम्हारे किसी रिश्तेदार को कभी नहीं देखा। देखा तो मैंने भी नहीं है, पर वो मेरे दूर के चाचा है। इस साल वो जरूर आएंगे। गांव वालों के सामने उसने झूठ बोल दिया, इस बात से अनजान कि चंपट जो कि एक ठग था, वो चुपके से उसकी बात सुन रहा था। क्या बात है चंपत, तू तो यहाँ काम करने के लिए नौकर खोजने आया था, पर यहाँ तो मुफ्त में ही नौकरानी मिल गई। रूपा, मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई, इतनी सीधी जब तुमको देखा था। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, इतने साल तुम्हें अकेला रहना पड़ा, पर अब नहीं, मैं आ गया हूँ। चलो अपने चाचा के साथ, अकेले रहने की कोई जरूरत नहीं। रूपा असमंजस में थी कि क्या करे, जाए या ना जाए। सोच क्या रही हो रूपा, बहुत दुख झेल लिया तुमने, अब जाओ और अपने चाचा के साथ सुखी जीवन गुजारो।
सच में मेरे चाचा कहाँ से आ गए? पर बातचीत से तो सचमुच मेरे चाचा ही लगते हैं। रूपा का झूठ पकड़ा ना जाए इसलिए वो चंपट के साथ चलने के लिए तैयार हो गई। ये नए नवेले चाचा की मीठी बातों की चाशनी में रूपा ऐसी चिपकी कि उसे चंपट की हर बात पर भरोसा होने लगा और वो सीधे चंपट के घर पहुंच गई। बस बहुत हो गया, अब पकड़ो अपना सामान। कौन हो तुम? चंपट, तुम्हारा नकली चाचा, मेरी बेवकूफ बच्ची। अब तुम यहीं रहोगी और घर का सारा काम भी करोगी, भागने के बारे में सोचना भी मत। चलो काम पर लग जाओ, और हाँ मेरी माँ का ख्याल रखना, वो देख सुन नहीं सकती। ये सब देख रूपा को समझ में आ गया कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, एक अनजान इंसान पर भरोसा करके। लेकिन रूपा एक बहादुर लड़की थी, उसने वहाँ से भागने की ठान ली और एक प्लान बनाया। सफर में चलते चलते मेरी चाल बेचाल हो गई, थोड़ा आराम तो करने दो ना, फिर तो काम ही करना है। खोलो दरवाजा, खोलो। अरे ये गई तो कहाँ गई? आपने एक बच्ची को देखा है? मेरी भतीजी, वो गोरी सी लंबे बाल वाली। नहीं। यहाँ मुफ्त में खड़े होने की अनुमति नहीं है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। कोई काम चाहिए तो बोलो। हाँ, काम चाहिए। इधर खड़े रहना और कोई राहगीर आए तो उसे कमरा दिखा देना, जितने राहगीर लाओगे उतने सिक्के मिलेंगे। ठीक है सेठ जी। चंपत चाचा, सबक सीखने के लिए तैयार हो जाओ। अरे चाचा क्या हुआ? शेर, शेर, शेर। अरे ये तो यहाँ की आम बात है, मेरी मानो तो आज इधर ही रुक जाओ, वरना शेर को तो बस शिकार चाहिए। शिकार? हाँ सही कहा, शेर का शिकार होने से तो अच्छा रात इधर ही रुक जाओ, कोई ढंग का कमरा मिलेगा क्या? हाँ हाँ आओ मेरे साथ। ये रहा आपका कमरा, आराम से सो जाओ। अरे रे रे, एक बात बताना तो भूल ही गया, पीछे के कब्रिस्तान से रात को कभी कभी भूत टहलते हुए इधर आ जाते हैं, पर आप डरना नहीं, वो बस दिखते डरावने हैं, डराते बिल्कुल नहीं है। क्या भूत? अब आएगा मजा। अरे ये क्या? Yeah.
मुझे बेवकूफ बनाया था ना, अब चखाऊंगी तुम्हें मजा। रुको रुको भैया, थोड़ी मदद कर दो, ये पेटी मुझसे उठ ही नहीं रही है। पर इसमें ऐसा क्या है जो उठ नहीं रहा? क्या बताऊं, मुझे एक शादी में जाना है, शादी के सारे जेवर और कपड़े इसी पेटी में हैं। अगर समय पर नहीं पहुंची तो सब गड़बड़ हो जाएगी। भाई मुंगी, चोर धर्म निभाने का समय आ गया है, इसे छोड़ दिया तो हम चोर कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। सही कहा भाई चुंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं, बस थोड़ा पानी पिला दो। हाँ हाँ अभी लाती हूँ। रूपा पानी लेने अंदर जाती है। इधर मुंगी चुंगी पेटी को तुरंत उठाते हैं और वहाँ से भागते हैं। रूपा बाहर आती है और हंसती है। तभी पीछे से लालचंद और बालचंद आते हैं। बहन, हम दो चोरों का पीछा कर रहे हैं, कहीं इधर तो नहीं आए? हाँ, उधर गए हैं। देखो ना, मेरा बक्सा भी ले गए, ये चोर भी ना। क्या, पकड़ो उन्हें। भाई चुंगी, सिपाही, अगर आज बच गए तो और भी चोरियां कर लेंगे। चल फेंक ये बक्सा। और इस तरह रूपा का पीछा चंपट से हमेशा के लिए छूट गया। अरे निकालो, मुझे बाहर निकालो। फिर वो अपने घर वापस गई, लेकिन एक नई सीख के बाद कि कभी भी किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, समझे? बिट्टू, बिट्टू। देखो देखो, पापा आ गए। पापा। मेरा बच्चा। तुम्हारा बच्चा तो बहुत बहादुर है। बिल्कुल, रूपा की तरह। लेकिन इसे ऐसे अकेला मत छोड़ा करो। गलती हो गई अम्मा। विजयनगर में भास्कर नाम का एक व्यापारी अपने व्यापार के लिए आया करता था, लेकिन इस बार उसकी गाड़ी में फलों, अनाजों और दूसरे सामानों के साथ कुछ और भी था, और वो था उसका गोल मटोल बेटा भानु वर्मा। भानु, यहाँ से देखो बेटा, तुम्हें तो विजयनगर देखना था ना। कितना सुंदर नगर है बाबा। क्यों, कैसे हो काका? बहुत बढ़िया भास्कर बेटा। बेटे, ये उपहार चिरौंजी काका को दे दो, जाओ। ठीक है। काका, काका। ये क्या? भूत, 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 बचाओ, बचाओ। अरे मैं तो बताना ही भूल गई। भास्कर का दोस्त चिरौंजी रुई, कपास और ऊन का व्यापारी था। अरे इस बार तो मेरे छोटे व्यापारी मित्र भी आए हैं। भानु बेटा, ये एक सिक्का लो और बाजार घूम कर आओ, तब तक हम एक जरूरी काम करके आते हैं। ठीक है बाबा। खूंटे से बंधे बछड़े को खुला मैदान मिलने पर जो आनंद आता है, वही इस समय भानु वर्मा को विजयनगर का बाजार घूमने में आ रहा था। रंग बिरंगी दुकानें थी, कहीं खेल तो कहीं कर्तव्य। हाँ, खुशबू, जलेबी, लूट मची है, लूट, ले जाओ, ले जाओ। एक
सिक्के का 4 है? हमारे यहाँ तो 6 मिलते हैं। तो तुम्हारे यहाँ से ले जाओ। अरे ले जाओ, 1 सिक्के का 1। इससे सस्ता फल और कहीं नहीं मिलेगा। 1 सिक्के में इतना बड़ा फल? ये कटहल है बेटा, बुजुर्गों से सीखी है। गुड़ और मिश्री भी इसके आगे फीकी है। चख कर तो देख लो। ये लीजिए 1 सिक्का। लेकिन इसमें तो कांटे हैं। छिलका है, इसे काट कर अंदर से खाना। अच्छा। व्यापारी पिता का व्यापारी बेटा हूँ। 1 सिक्के में इतना बड़ा फल ले आया, बाबा तो खुश हो जाएंगे। वाह, अरे कांटे। नहीं नहीं नहीं, गिर जाएगा गिर जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ। वाह, गुड़ और मिश्री तो क्या, इसके आगे तो शहद भी फीका है। ये मीठा तो है लेकिन चिपचिपा भी है। अरे निकल निकल निकल। अरे ये तो कपड़ों को भी चिपक रहा है। गरम पानी। अनु वर्मा। अरे पिताजी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। ओ भानु वर्मा, लगता है विजयनगर उसे भाग गया है। जब तक हम राजमहल से लौट कर आएंगे तब तक वो भी आ जाएगा। तो फिर चलो हाथ मुंह धोकर चलते हैं। राजा जी इंतजार कर रहे होंगे। चलो चले। दिन भर का थका हारा भानु वर्मा बैठते ही सो गया। चुंगी, लगता है कोई नहीं है यहाँ। चोर आए। एक दो तीन चार, जितनी भेड़ उठा सकते हैं उतने उठा लेते हैं ना चुंगी। मुंगी देख कितनी गुलोली ताजी भेड़। हाँ, 4 के बराबर 1 है। शोर किया तो लोग आएंगे, बाबा को भी बुलाएंगे। नहीं नहीं, चुप रहने में ही भलाई है। चुंगी देख तो, अरे अंधेरे में भेड़ समझकर छोटा हाथी तो नहीं उठा लिया। कमर टूट गई है इसके वजह से। अरे उठ जाओ। मुंगी, लगता है भेड़ थक गई है। देखना कितनी प्यार से सोई हुई है। ये चीखने वाली भेड़। मैं भेड़ नहीं, भानु वर्मा हूँ। मुंगी, ये तो बोलने वाली भेड़ है। ये भेड़ नहीं, भूत है भूत। मुझे डर लग रहा है। मुझे भी। मैं भूत हूँ।
अब क्या करें? अरे कहाँ भाग रहे हो? मुझसे नहीं मिला। अरे मिलकर तो जाओ। अरे ये तो भानु वर्मा की आवाज है। भानु वर्मा, ये क्या हुलिया बनाया है? पिताजी आप, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कपटी कटहल ने किया है। अगर हाथों में तेल लगाया होता तो कटहल नहीं चिपकता, लेकिन कोई बात नहीं, सीख तो मिली। इसमें क्या है बाबा? बेटा ये राजा विद्याधर जी ने उपहार दिया है। इसमें क्या है? यहाँ भी कपटी कटहल, मुझे और किसी मुसीबत में नहीं फंसना। If you like this video, subscribe to our channel, Murti Media.